विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर इस वक्त हम अपनी प्राइम टीम के साथ मौजूद है मुरादनगर के मेन मार्केट में और मैं इस वक्त एक ई रिक्शा में हूँ। अभी हम सीधा यहाँ से चलेंगे क्षेत्र की जनता के पास और जानेंगे कि क्यों है वो बेहाल, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद होंगे जिनसे जानेंगे कि आखिर जनता को, मासूम जनता और व्यापारियों के साथ वो क्यों करते हैं राजनीति। प्राइम न्यूज की टीम हकीकत जानने के लिए मुरादनगर के मेन बाजार में इस स्कूल बस में है। ये स्कूल के बच्चे जब स्कूल से इनकी छुट्टी होती है तो घंटों ट्रैफिक के जाम में फंसते हैं। बेटा क्या नाम आपके, कितने घंटे रोड ट्रैफिक के जाम में फंसते हैं? आधे घंटा फंसते आते हैं सर। पोल्यूशन भी है। यहाँ से जो BSP के विधायक है जी, वो आपकी नज़र में फेल है या पास? फेल है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है और काम नहीं हो रहे, इसीलिए फेल ही है। का दावा कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, युवाओं के लिए बहुत काम किए, लगता है आपको युवाओं के लिए काम किए, पास हुए हैं या फेल है युवाओं के मामले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए क्या किया है फेल है। वो बताएं कैसे फेल है? फेल है। क्षेत्र में घूमने के बाद सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली तो महिलाओं के साथ, और इस वक्त महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद है। देख सकते हैं कि सबके हाथ में जो है सब्जी जो है क्या थैला सबके हाथ में, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात करें आपके जो यहाँ के विधायक है जो BSP के, क्या लगता है आपके नज़र में फिर फेल है पास है? पास है। जिस तरीके से आप लोग लेडीज लोग जब, मतलब मेरे को लग रहा है कि सब लोग गुट बना के निकल रहे हैं, अकेली औरत अगर बाहर निकले तो शायद कुछ उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए गुट बना के निकलते हैं, ये सही बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एक साथ की वजह से। मुरादनगर के वोटरों का जो इस्तेमाल है वो अक्सर राजनीति के लिए किया जाता है, वोट बैंक के लिए किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जो लोग यहाँ के वोटर्स हैं विधायक को चुन के भेजते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है। इस वक्त हमारे साथ जो BSP के विधायक है, चूँकि विधानसभा सत्र चल रहा है, उनके भाई आस मोहम्मद जी भी हमारे साथ मौजूद है। आस मोहम्मद के साथ साथ सपा के जो घोषित प्रत्याशी है दिशांत त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है, व्यापार मंडल के लोग हमारे साथ मौजूद है, और ख़ास तौर से BJP के जो कि यहाँ पे प्रमुख दावेदारों में जिनकी गिनती होती है, जिनके ऊपर अभी उत्तर प्रदेश में AK-47 और 9mm से उनके ऊपर हमला हुआ था ब्रिजपाल सेवितिया, क्योंकि उनकी गोली लगने के कारण घायल है, तो उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ ज्ञानेंद्र सिंगल जी भी मौजूद है BJP से। इसके अलावा तमाम जो यहाँ के वोटर है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, कुछ चेयरमैन जो है वो भी यहाँ के मौजूद है। लेकिन सबसे पहला सवाल हम लेकर चलेंगे सपा के जो घोषित उम्मीदवार है दिशांत त्यागी जी का। दिशांत जी, आपके ऊपर सपा ने एक बारी दोबारा दाव खेला है, स्थिति सपा की गवर्नमेंट है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब स्थिति क्राइम की है। सपा के सरकार के अंदर एक दमदार नेता जिसको ब्रिजपा जो कि राजनाथ के बहुत करीबी है, गोलियों से भून दिया जाता है उन्हें, क्या कानून व्यवस्था है आपकी यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो समाजवादी पार्टी और हमारा नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरीके से चुनाव में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये उठती हैं। जहाँ तक मामला है ब्रिजपाल तेवतिया जी का, तो उनका मामला रंजीत से जोड़ के देखा जा रहा है। 5 साल लोगों ने इंतजार करते रह गए, 2017 का चुनाव सर पे आ गया, लेकिन कुछ भी क्षेत्र वालों को नहीं मिला। ऊपर से जो विधायक साहब है अपना क्षेत्र छोड़कर मोदी नगर जा रहे हैं, क्या इसलिए कि यहाँ इस बार उनको डर है चुनाव हार जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी के बारे में आप सभी धर्म के लोगों से पूछ सकते हैं, उसमें चाहे वो किसी भी समाज से हैं या किसी भी पार्टी से हैं, विधायक जी के बारे में आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं कि उन्होंने जो विकास यहाँ पर कर दिया है, अभी लोग किसी भी नेता ने विकास नहीं करा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो है खुद ब्रिजपाल तेवतिया जी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, अभी जिस तरीके से सपा ने साफ बोला कि आपसी रंजीत थी जिसको आप चुनावी माहौल में भुना रहे हैं, इसके बारे में मैं, ये तो ब्रजपाल तेवतिया जी जिस टाइम अस्पताल से निकलेंगे वो बताएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है, AK-47 जो प्रतिबंधित हथियार है, AK-47 खुलेआम प्रदेश में लेके बदमाश घूम रहे हैं, इससे ज्यादा कानून व्यवस्था और क्या खराब हो सकती है? व्यापारियों के चेहरे पे इतना डर, इतना भय क्यों दिखता है? हमारे साथ पंकज गर्ग जी है व्यापार मंडल के, आपको लगता है कि ये सपा, ये BJP और ये BSP इन्होंने कभी व्यापारियों का भला किया है? किसी भी पार्टी ने व्यापारी का भला नहीं किया, आए दिन जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए अगर किसी पार्टी ने व्यापारी का भला किया है तो हमने उसका स्वागत भी किया। लेकिन पिछले दिनों जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी है उसने ये NH-58 जो ख़त्म किया है, इसका किसी भी पार्टी ने, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे BJP हो, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। भाई साहब, क्या कहना है आपका?
जैसा अभी व्यापारियों ने कहा कि आपने भी कहा व्यापारी यहाँ डरे हुए हैं, व्यापारियों को कोई सुविधा ही नहीं है। मैं सपा का नगर अध्यक्ष हूँ, व्यापारी मेरे बराबर में खड़े हैं। इस पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल के अंदर जितनी लाइट मुरादनगर को दी गई है, टोटल व्यापारियों को औद्योगिक फीडर बिछा करके 24 घंटे लाइट देने का काम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ा आरोप है कि आपके जो भाई विधायक है वो इलाका छोड़कर दूसरी जगह जा रहे ताकि जीत हो सके। देखिए, मेरे भाई की जाने की समस्या तो ये है कि वहाँ के लोगों का प्रेम था, उन लोगों ने उनको बुलाया, इसीलिए वहाँ पर गए। और रही यहाँ की बात, यहाँ की जब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ की जनता से आप मालूम कर सकते हैं कि मेरे भाई ने कितना विकास करा। मालूम किया आपके भाई साहब ने कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनवाई, आज भी इस इलाके के जो लोग हैं वो अगर कोई प्रेग्नेंट औरत हो उसको ले जाना हो तो वो जाम में फंस जाती है, डिलीवरी रोड पर ही हो जाती है। आज भी जो है दिल्ली या मेरठ लोग वहाँ अस्पतालों में जाते हैं, 5 साल बहुत होता है, करोड़ों रुपया मिलता है, क्षेत्र में दिखना चाहिए, वो क्यों नहीं दिख रहा क्षेत्र के अंदर? विकास की बात तो ये रही, हमारे यहाँ पर आसू मलिक जी हैं, नूर मलिक जी हैं, दिशांत त्यागी जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, समाजवादी काफ़ी लोग हैं, बीजेपी के हमारे राधे चेयरमैन साहब जी खड़े हुए हैं, किसने इतना विकास करा दिया अब तक? बहुत अहम क्वेश्चन किया आपने, बहुत अहम बात बताया। चेयरमैन साहब, आपकी वाइफ कुछ चेयरमैन है इसलिए हम आपको चेयरमैन बुला रहे हैं। कितनी बड़ी बात जो है बीएसपी के की तरफ से आई है कि इतना प्रभाव है आप लोगों का, फिर भी जो है यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पे जो निगम के छोटे छोटे काम है उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, हल निकलेगा या राजनीति चलेगी सिर्फ? धन्यवाद प्राइम न्यूज। मुरादनगर नगर पालिका को 1957 में गठन हुआ था, माननीय जो आज एट प्रेजेंट विधायक जी हैं 12 साल चेयरमैनी की उन्होंने, उससे पहले खान साहब ने चेयरमैनी की, उससे पहले इनके दादा ने चेयरमैनी, शॉर्ट में बताइए इतिहास उठा लीजिए 59 सालों का और 4 साल के चेयरमैन का रिकॉर्ड उठा लीजिए। हर गली में चले जाइए, हर पत्थर मिलेगा विकास का, नाली की, पानी की, निकासी की, सब समस्या। विकास का पत्थर, विकास नहीं, विकास नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है, अगर विकास का पत्थर है तो विकास है। देखिए, आप मुरादनगर में चल के आई हैं, हमारे यहाँ बीएसपी के विधायक हैं और सपा के बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं, तो आपने बस स्टैंड पर हालत देखी होगी, निकलने क्या हालत है, तो इसमें कोई कहने की और समझाने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं समझता मैं कि आज हमारे जो बहुत सारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने भी घर आ रहे हैं, इसलिए कि यहां पे निकलने का भी रास्ता नहीं होता। और की समस्या जिस पे ना विधायक ने ध्यान दिया और ना ही आपके जो सांसद साहब है ना उन्होंने ध्यान दिया। जैसा भी आप बताइए, आप एक दुकानदार थे, मैंने देखा गर्मी में बड़ा पंखा हाँक रहे थे, 2 घंटे तक लाइट नहीं थी। बात रखी छोटे भाई ने कि साहब बिजली 24 घंटे मिलती है, वो केवल जो उनको मिलती है जो हैंडलूम वाले हैं, आम आदमी को घरों को लाइट बिल्कुल नहीं मिलती, नहीं, बहुत कम लाइट आती है, बहुत कम है। आप बताइए, आप सपा से? शहर को 18 घंटे लाइट सुचारू रूप से दी जा रही है, अदरवाइज कोई मना करता तो ये झूठ है, अगर आप सही तरीके से पूछेंगे कोई मना नहीं करेगा। व्यापारी खड़े हैं 16 से 18 घंटे मेरठ मंडल में, इतनी लाइट कहीं नहीं दी जा रही जितनी व्यापारी। देखिए, अभी हमारे व्यापारी भाइयों ने बताया कि NH-58 को ख़त्म किया जा रहा है, NH-58 को केंद्र सरकार द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, हम उसके विरोध में हैं, हम उसका विरोध करेंगे और हम अपने व्यापारी भाइयों के साथ में हैं, मुरादनगर की जनता के साथ में है और पूरी ताकत के साथ उनके बीच में रह के उस काम को करने का काम हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हाँ बिल्कुल जी। दिशांत जी, अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी ने खुद एक्सेप्ट किया है, 4 महीने विधानसभा चुनाव के रह गए हैं, उन्होंने कहा कि 4.5 साल हो गए सपा कार्यकर्ता प्लॉट कब्जाने में लगे हुए हैं, माल लूट रहे हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे सपा के सपा प्रमुख खुद? दूसरा, यादव सिंह ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लूट कर खा गए, पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट अधिकारी की खुद पैरवी की है, हाई कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ेगी कि प्रदेश सरकार इसकी पैरवी में क्यों इंटरेस्टेड है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? जवाब लेंगे और बीएसपी से भी इस पर जवाब लेंगे, जवाब दीजिए आपके सामने। देखिए, जहाँ तक बात है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब परिवार एक समूह 50 लाख से ज़्यादा पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके अंदर अगर कोई गलती करता है, गलत सूचनाएं मिलती हैं, तो खुले मन से खुले आम कहने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, ठीक है, लेकिन जो आप युवा उनका मकसद यही होगा ना, अगर कोई खुले आम मीडिया के बीच में ये बात कह रहा है और समाज के बीच में ये कह रहा है तो वो ऐसा नहीं चाहते होंगे और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम ये पार्टी और ये सरकार करेगी। लेकिन अभी हो नहीं रही, 4 महीने चुनाव में रह गए, जिस तरीके से परिवार के अंदर जो विवाद है और बात हो रही है कि झंडा लगा के जो सपा के जो लोग हैं वो उसी प्लॉट कब जाने पे लगे हुए, क्या कहना आपका? देखिए, जो बहन जी की सरकार में अब तक गुंडे, जब बहन जी की सरकार आई थी तो सभी गुंडे माफिया जेल के अंदर थे, बाहर कोई नहीं था, अब आप देख लो दलित समाज के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। ये हमारे पास में ये गांव पड़ता है नबीपुर, बिकनपुर, सॉरी,
बिकनपुर में। देखिए आप, ये आम है, ये आम आदमी है, बिकनपुर से ही है, आप इनसे पूछ सकते हैं। दलित आप बताइए, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा, 3-4 दिन से रोज मारपीट हो रही है दलितों के साथ और कार्रवाई आज तक नहीं हुई, नहीं कोई सुनवाई करता, प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा। थाने में दरोगा भी जाट है और सीओ भी जाट है, बिल्कुल उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। नगर अध्यक्ष जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सपा के घोषित विधायक भी मौजूद है और यहाँ पे तेवतिया जी के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी, और राजनाथ के ये भी करीब बताए जाते हैं। एक दलित है जो खुलेआम यहाँ पे डिबेट पे बता रहा है कि मारा पीटा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब तक मीडिया में ना आ जाए तब तक कोई भी नेता अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं है। आपके सामने है, दलितों को लेके पूरी राजनीति चले, दलित मुस्लिम ये दो ही वोट बैंक है जिसको कोई बना रहा है। आपने और इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, वास्तव में आज 22 लोग उत्तर प्रदेश पुलिस ने, मुरादनगर पुलिस ने जेल भेजे हैं इस मामले में। बीकनपुर में वास्तव में जाटावों के साथ जाट भाइयों का गलत व्यवहार रहा है, मगर माफ करना, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हमारी पार्टी से निकाले गए सुधन कुमार रावत जी, जो जिनके रिश्तेदार हैं वो लोग जिन्होंने मामला किया है, जाटावों के साथ उत्पीड़न किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, हमारे गाजियाबाद के कप्तान के एस इमानुवाली जी ने तुरंत कार्रवाई की, 22 लोगों को आज जेल भेजा गया है। इतनी त्वरित कार्रवाई बताइए कहाँ होगी, उनके साथ जुल्म हुआ है, हम भी उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं तो आप क्या सड़कों पे आएंगे इनको लेके, आप दलितों को जेल भेज दी और क्या सड़कों पे आए? देखिए आपको क्यों चुने यहाँ की क्षेत्र? देखिए जहाँ तक बात है बाकी लोगों की, मैं बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा। आपने सही कहा कि नौजवान फेल हो रहे हैं राहुल गांधी जी, साफ सुथरी छवि, नौजवान पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकता है और जो हमारी सरकार अभी यहाँ मौजूद है उससे प्रयास कर काम करा के अभी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इनके बीच इनके दुख दर्द उठाने वाला इनका बीच का हो, साफ सुथरी छवि का हो, कोई गुंडा बदमाश माफिया ना हो, और ऐसा आदमी हो जो उनके बीच में बैठ के खा सके, उनके बीच में बैठ के उनकी सुन सके और उनकी बीच में बैठ के उनकी समस्याओं का निराकरण करा सके। त्यागी जी, ये सारी क्वालिटी तो सभी नेताओं में है, ऐसा कौन सा नेता है? राहुल गांधी जी भी दलित के साथ जात के पी रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं अनोखी बात है, माफ कीजिएगा, आपने ऐसा कहा, मैं व्यक्तिगत किसी को कहना नहीं चाह रहा था, गुंडा बदमाश और माफिया, राजनीति से जितना दूर हो उतना बेहतर। एक ही परिवार के 24 सदस्य संवैधानिक पदों पर तैनात हैं, जब परिवार में और आ रहे हैं तो और बाहरों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी पद देकर एडजस्ट कहीं ना कहीं करना है। क्या कारण है? समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गई है, इसका जवाब। जहाँ तक माफियाओं गुंडों का सवाल भाई ज्ञानेंद्र जी ने उठाया है, रमाकांत यादव सो हत्याओं के माफिया हैं, इनकी पार्टी ने हमारे माननीय नेता परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के सामने उतारा। इनके अध्यक्ष जी भी भाग गए थे, इनके अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमा है। कल्याण सिंह जी ने क्या श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गुंडों को संरक्षण नहीं दिया? जब उनकी खुद की सुपारी ले ली तो उसको एनकाउंटर में मरवा दिया, 17 साल के लड़के को बंदूक AK-47 थमा दी, कल्याण सिंह के लायक काम थे? बीजेपी ने माफ करना अपने गुंडों को 147 से थमा दी, 156 थमा दी, कल्याण सिंह टिकट देना चाहते थे मुबारकपुर से उन्हें, लेकिन जब साक्षी महाराज ने फिर हवा फैला दी कि साहब कल्याण सिंह जी आपकी सुपारी ले लिया, सिर्फ शुक्ला 21 साल की उम्र में उस लड़के को मरवा दिया, क्या दोस्त था उसका? लेकिन यहाँ पे आम जनता भी है, जनता कह रही है कि भाई हमारे मुरादनगर के भले की भी कुछ बात कर लीजिए आप। गुंडागर्दी अभी भी है, आप बताइए अगर आपके विधायक साहब जो कि ये इलाका छोड़ के चले गए, मोदी नगर की जनता जहां भाई साहब गए हैं वो विश्वास करेगी उनके ऊपर? संक्षिप्त में बताइए, अगर वो चुनाव में अगर उनको दोबारा वोट दे तो क्यों दे? देखिए पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे भाई जो यहां से छोड़कर नहीं गए हैं, उनको बहन जी ने आशीर्वाद दिया, वहां पर आप जाकर मेहनत करिए, वहां से आपको टिकट दे रहे हैं। मुरादाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बसपा विधायक बहाव चौधरी के कामों को लेकर साफ तौर पर नाराजगी जताई है। सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई और कानून व्यवस्था के मसले पर विधायक को फेल करार दिया है। जनता का मानना है कि मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नाम मात्र के हुए हैं और यही कारण है कि विधायक महोदय आने वाले विधानसभा चुनाव में मुरादनगर की जगह मोदी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। जनता का साफ तौर पर मानना है कि विधायक वहाब चौधरी ने मुरादनगर विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किया है, यानी विकास की वाट जो रही जनता को राजनीति में उलझाकर वोट बैंक की तरह उपयोग किया गया है।
किस तरीके से मुरादनगर के अंदर प्राइम न्यूज़ की टीम यहाँ पे मौजूद है और तमाम यहाँ पे सपा के घोषित उम्मीदवार जो थे दिशांत त्यागी, उन्होंने भी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। विधायक जो है उनके जो भाई है उन्होंने भी बेबाकी से सारा जवाब दिया। और बीजेपी की ओर से जो है तेवतिया जी की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रजपाल तेवतिया, क्योंकि मुरादनगर को उससे पहले 403 विधानसभाओं में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से तेवतिया जी के ऊपर AK-47 चली तब से 403 में सबसे हॉट सीट जो है वो मुरादनगर की ही बन गई है। तो उन्होंने भी बहुत बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही साथ जो है नगर अध्यक्ष भी मौजूद, और साथ ही साथ जो व्यापारियों के पंकज अग्रवाल जिनका साफ माफ कीजिएगा पंकज गर्ग जिनका साफ कहना था कि जितने भी यहाँ नेता खड़े हैं वो नेता सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता है तब जो है वो इन लोगों का इस्तेमाल करते थे। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हमने आपको आज मुरादनगर की जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। अब ये तो आने वाले जो यहाँ की जो जनता है ये बताएगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वो बसपा का साथ देती है, या वो कांग्रेस के हाथ को पकड़ती है, या फिर बीजेपी के कमल पर भरोसा करती है, या फिर सपा की साइकिल पर सवार होती है। यह था हमारा खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड। अब सीधा हम आपको स्टूडियो ले चलते हैं प्राइम न्यूज़ के, जहां से आप देश और दुनिया की बाकी खबरें देख सकेंगे।